चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में, आर्टिकल के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में, एससी के बारे में। ठीक है, इससे संबंधित आपके जो भी सवाल होंगे उन सभी के जवाब मिल जाएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, याद रखिए, भारत में जातियों का अस्तित्व एक अनूठी विशेषता है। अनुसूचित जाति एससी समाज के सबसे उत्पीड़ित वर्गों में से एक है। दलित या अनुसूचित जाति की आबादी 16.5% शामिल है कुल आबादी में। याद रखिए, भारत में वैसे भी जातियों का अस्तित्व एक अनूठी विशेषता है। आप सभी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि अनुसूचित जाति एससी समाज के सबसे उत्पीड़न वर्गों में से एक है, उसके बाद एसटी। इसीलिए तो आपका एसटी-एससी एक्ट 1989 लाया गया था। ठीक है, इसी तरह के उत्पीड़न से मुक्ति के लिए। बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति यानी कि एससी के से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में। उत्पीड़न, सबसे पहले बात करते हैं उत्पीड़न। एनसीआरवी की प्रतिवेदन के अनुसार लगभग 50% बलात्कार के मामले दलितों के विरुद्ध होते हैं। एनसीआरवी की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% बलात्कार के मामले दलितों के विरुद्ध होते हैं। इनकी एक समस्या गरीबी भी है। CAIR की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25% भारतीयों ने स्वीकारा है कि वे किसी ना किसी प्रकार के भेदभाव के शिकार हैं। तो इनमें एक समस्या क्या है? भेदभाव। फिर है राजनीतिक अल्प प्रतिनिधित्व, वलात्श्रम, इनकी प्रमुख समस्याएं हैं। अनुसूचित जाति के लिए संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए अनुच्छेद 15(4) पिछड़े वर्गों SC/ST सहित के कारण की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 17 जो ये अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में सीटों का आरक्षण करता है। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण करता है। अनुच्छेद 335 केंद्र और राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियां करने के लिए एससी और एसटी के दावों पर विचार किया जाएगा। अनुच्छेद 243 पंचायत और नगर पालिका में आरक्षण का प्रावधान करता है। तो याद रखना, अनुसूचित जाति के लिए संविधानिक प्रावधान अनुच्छेद 15(4) है, अनुसूचित जाति से संबंधित अनुच्छेद 17 भी है, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 300 सॉरी अनुच्छेद 243 पंचायती और नगर पालिकाओं में आरक्षण। निर्देशक सिद्धांत, इसमें अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 46 एसटी और एससी/एसटी के हितों को बढ़ावा देता है, एससी/एसटी के हितों को बढ़ावा देता है। कर लेते हैं विधेयक उपबंध। तो बात करते हैं मैनुअल स्क्वेजिंग एक्ट अधिनियम में मैनुअल स्क्वेजिंग की समाप्ति की घोषणा की है। यह सुनिश्चित करना कि डीएम की जिम्मेदारी है कि जिले में कोई मैनुअल स्क्वेजिंग ना हो। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर डीएम के स्तर के तहत सतर्कता निकाय बनाए जाएंगे। सभी मौजूद शुष्क शौचालयों को जल्द से जल्द पहचान कर नष्ट कर दिया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान, 50,000 का अर्थदंड शामिल है। यह सरकार का कर्तव्य है कि मैनुअल स्कैंजर्स इसके वेंजर्स को फोटो आईडी प्रदान करें, उन्हें कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें, उन्हें ऋण सब्सिडी प्रदान करें। स्थानीय सरकारी निकायों को 3 वर्षों के भीतर शौचालय के निर्माण की आवश्यकता है। फिर है आपका अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 का संरक्षण, ये भी आपका एससी से संबंधित ही है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति हेतु संस्थान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यह संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। यह एसटी
सॉरी एससी से संबंधित मुद्दों जैसे कि कानून, योजनाओं का कार्यान्वयन एससी से संबंधित विशेष शिकायतों की जांच और निगरानी करता है तथा तो सरकार को सलाह देता है और राष्ट्रपति के समक्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत भी करता है। कौन? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। बात करते हैं राष्ट्रीय एससी वित्त और विकास निगम। यह एससी समुदाय के लोगों को कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फिर आपका राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके। यह एनसीएसके अधिनियम 1993 के अधिनियम द्वारा वर्ष 1993 को में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। एनसीएसके अधिनियम अब मौजूद नहीं है, लेकिन यह गैर वैधानिक निकाय के रूप में मौजूद है। यह सरकार के लिए सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों की सिफारिश करता है, मौजूदा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है और विशिष्ट शिकायतों की मामलों की जांच करता है। यह मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। फिर बात करते हैं अनुसूचित जाति हेतु जो योजनाएं हैं उनके बारे में। अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर योजना। डॉक्टर अंबेडकर योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह के लिए 2 लाख केंद्र 2 लाख रुपए प्रदान करता है केंद्र सर। हालांकि यह राशि एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। युगल में से एक दलित और दूसरा गैर दलित होना चाहिए इस राशि को प्राप्त करने के लिए। 50% राशि शादी के समय दी जाती है और 50% राशि विवाह उपरांत यानी कि विवाह के बाद प्रदत्त करने का प्रावधान है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित होती है यह योजना। फिर आपकी मैनुअल मेला ढोने वाले बहालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना। इसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से हाथ से मेला ढोने वालों और उनके आश्रितों का अन्य रोजगार में पुनर्वास करना। भारत सरकार ने 2007 में मैनुअल स्क्रेवेंजर्स SRMS के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी। स्टैंड अप इंडिया STSC और महिलाओं के लिए सॉफ्ट लोन देता है। प्रति निवेशक 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में ऋण, प्रति बैंक शाखा में कम से कम 2 ऐसे ऋण, पुनर्वित्त सिडबी के माध्यम से किया जाता है। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष भी है। एससी उपयोजना। इसके तहत सरकारी बजट का एक हिस्सा एससी के कल्याण के लिए रखा गया है। लगभग सभी राज्य इस योजना को लागू कर रहे हैं। इसे लागू करने वाले राज्यों को अतिरिक्त 25% विशेष केंद्रीय सहायता भी मिलती है। फिर आपका स्वच्छता उद्यमी योजना। स्वच्छ भारत योजना समुदाय को शौचालय के निर्माण, संचालन और रखरखाव और स्वच्छता संबंधी वाहनों की खरीद और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस तरह यह एक ही समय में स्वच्छता और मैनुअल स्क्रैचिंग पुनर्वास की दोहरी समस्या से निपटता है। अब कुछ आंदोलन देख लेते हैं अनुसूचित जाति से संबंधित। सफाई कर्मचारी आंदोलन। मैनुअल स्क्रैचिंग को समाप्त करने के लिए यह एक समुदाय के नेतृत्व वाला आंदोलन है। इसका नेतृत्व मैक्सिस पुरस्कार विजेता बेजुवाड़ा विल्सन कर रहे हैं। राष्ट्रीय गरिमा अभियान। कौन सा? राष्ट्रीय गरिमा अभियान। यह 30 समुदाय आधारित संगठनों का एक संगठन गठबंधन है जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से मैला ढोने वालों को प्रोत्साहन करने के लिए अभियान चलाया है। यह मैनुअल स्क्रैचिंग के उन्मूलन और दलित सशक्तिकरण के लिए काम करता है। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के उद्देश्य में एक उद्देश्य जातिवाद को समाप्त करना भी शामिल है। अन्न डिक्की दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह 2005 में मिलिंद कामले द्वारा पाया गया था। यह दलित व्यवसाय उद्यमों का एक समूह है, ठीक है, बनाया गया था। तो ये था आपका अनुसूचित जाति से संबंधित जो भी प्रावधान थे, जो भी क्वेश्चन थे उनके जवाब। ठीक है।